video, I am going to give you complete information about future continuous tense. मेरा वादा है आपसे कि इस वीडियो के बाद में आपको इस टेंस के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आई वेलकम यू ऑन माय चैनल इंग्लिश विजन। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। वन मोर टाइम। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हियर इन दिस स्ट्रक्चर देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स विल एंड शैल। शैल मोस्टली वी यूज विद आई एंड वी। मोस्टली शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी एंड बाय रिमेनिंग वी यूज विल लाइक ही शी यू दे इट लाइक दिस और एनी नेम। विद ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू यूज विल एंड आई एंड वी यू हैव टू यूज शैल इन मोस्ट ऑफ द केसेस ज्यादातर। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा हिंदी के अंत में भी देख लीजिए कि इसके हिंदी के अंत में क्या लगता है। तो इसके हिंदी के अंत में लगता है रहा होगा रहे होगे रही होगी। रहा होगा रहे होगे रही होंगी। तो ये टेंस यूज किया जाता है कि जब भविष्य काल में कोई कार्य कुछ समय के लिए हो रहा होगा। कुछ कार्य मींस दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन एनी वर्क विल गोइंग ऑन इन फ्यूचर फॉर सम टाइम। सो इन दैट केस वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। मींस आई शैल बी राइटिंग एन एग्जाम। अभी मैंने आपको बताया है कि आई के साथ में मोस्टली हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। तो आई है सब्जेक्ट है उसके साथ में शैल लगा दिया। उसके बाद में हमको बी लगाना है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमेशा बी लगता है। वर्ब में आईएनजी तो लगेगा क्योंकि मैंने आपको बताया कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब में आईएनजी लगता है। राइटिंग राइट इज द फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दिया हमने। उसके एन एग्जाम क्या है ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम हिंदी में कैसे बोल सकते हैं। मैं परीक्षा लिख रहा होगा। आई के लिए मैं एग्जाम परीक्षा। राइट मीन्स लिखना और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो रहा होगा। मैं परीक्षा लिख रहा होगा यानी कि ये जो कार्य है वो भविष्य काल में हो रहा होगा कुछ समय के लिए। नेगेटिव बनाने के लिए आई शैल नॉट बी राइटिंग एन एग्जाम। जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके बाद में नॉट लगा देंगे। आई शैल नॉट बी राइटिंग एग्जाम। मैं परीक्षा नहीं लिख रहा होगा। इंट्रोगेटिव बना दीजिए शैल आगे आ जाएगा आई उसके बाद में। शैल आई बी राइटिंग एन एग्जाम क्वेश्चन मार्क। क्या मैं परीक्षा लिख रहा होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस ही विल बी कॉलिंग यू। ही के साथ में हम विल का यूज करेंगे उसके बाद में बी वर्ब में आईएनजी और यू ऑब्जेक्ट है। हिंदी में बोल सकते हैं इसको वह तुम्हें बुला रहा होगा। ही के लिए वह यू के लिए तुम्हें कॉल मींस बुला और रहा होगा। नेगेटिव में ही विल नॉट बी कॉलिंग यू वह तुम्हें नहीं बुला रहा होगा। और इंट्रोगेटिव बना लीजिए विल आगे आ जाएगा ही उसके बाद में। विल ही बी कॉलिंग यू क्वेश्चन मार्क। क्या वह तुम्हें बुला रहा होगा। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। दे विल बी प्लानिंग जर्नी। दे सब्जेक्ट है उसके साथ में विल लगाएंगे उसके बाद में बी आ गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और जर्नी क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है इसको हिंदी में बोल दीजिए वे यात्रा की योजना बना रहे होंगे। जर्नी मीन्स यात्रा। प्लानिंग करना मतलब क्या योजना बनाना किसी चीज की। तो रहे होंगे आपको पता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम रहा होगा रहे होंगे और रही होंगी का यूज करते हैं। नेगेटिव बना लीजिए इसका। दे विल नॉट बी प्लानिंग जर्नी। वे यात्रा की योजना नहीं बना रहे होंगे। इंट्रोगेटिव में विल आगे आ जाएगा दे उसके बाद में विल दे बी प्लानिंग जर्नी क्वेश्चन मार्क। क्या वे यात्रा की योजना बना रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस वी शैल बी थ्रोइंग अ बॉल। वी के साथ में शैल लगाना है अभी बताया आई और वी के साथ में शैल लगाते हैं ज्यादातर केसेस में। बी और थ्रोइंग में थ्रो है वर्क में आई एन जी लगा दिया। अ बॉल क्या है ऑब्जेक्ट है। हम बॉल फेंक रहे होंगे। बी यानी कि हम बॉल थ्रो मीन्स फेंकना। रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। वी शैल नॉट बी थ्रोइंग अ बॉल। हम बॉल नहीं फेंक रहे होंगे। राइट इंट्रोगेटिव में कैसा हो जाएगा शैल वी बी थ्रोइंग अ बॉल क्वेश्चन मार्क। क्या हम बॉल फेंक रहे होंगे। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जिसके हिंदी के अंत में क्या लगेगा वो बताया मैंने आपको। स्ट्रक्चर बता दिया। थोड़ा सा इसके ऊपर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा उसको याद कर लेना है।
तो आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, और अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियो और आपके लिए आगे भी लेकर आऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।